केन बेतवा लिंक परियोजना को बजट मिलने पर पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती ने हनुमान कुटी गंज में मन्नत पूर्ण होने पर प्रसाद चढ़ाया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन स्वीकृति में अड़चन आई थी, तब भी मैंने इसी मंदिर में मन्नत मांगी थी, वह पूर्ण हुई थी, तब भी मैंने यहाँ प्रसाद चढ़ाया था। केन बेतवा परियोजना में अड़चन आई तो मैंने यही अर्जी लगाई थी, जिसके लिए केंद्र सरकार से बजट पास हो गया तो मैंने मंदिर में आकर प्रसाद चढ़ाया है। प्रसाद पाया, लोग मेरा अभिनंदन करना चाहते थे, लेकिन मैं मंच से नीचे आ गई। उन्होंने कहा, पुनर्विस्थापित गाँव वालों की किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश सखलेजा ने कहा कि लोगों को यहीं पर रोजगार मिलेगा, जिससे जिलावासियों का पलायन रुकेगा। सरकार जल्द नई कृषि नीति एवं फर्नीचर उद्योग लगाकर लोगों को रोजगार देंगी। एक बार मनोती मानी थी मैंने उसकी ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन, तब भी यहाँ पर भोजन रखा था, बाद में भंडारा छोटा सा। उसके बाद दोबारा मनोती मानी थी केन बेतवा लिंक परियोजना, तब भी यहाँ मेरे मन में था कि हम बैठे, तो मैंने मलखान सिंह जी को सूचना दी कि 10-20 लोग बैठेंगे, बब्बा जी को भोग लगाएंगे। उनने एक व्यापक कार्यक्रम का रूप दे दिया, क्योंकि इन्हीं से मैं प्रार्थना करती हूँ हमेशा। जब आपको याद होगा शिलान्यास रोक दिया गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा, लेकिन भगवान की दया हुई थी और अटल बिहारी वाजपेयी जी, हाँ, शिलान्यास हो गया था उसका, इसलिए वो आ भी सकते। इसी तरह से केन बेतवा लिंक के लिए भी सब कुछ हो गया था। तो मैं अभी एक दिन निकली, मैं जा रही थी मैहर, तो मैं ये इन हनुमान जी को बहुत मानती हूँ, तो इन्हीं को मैं बोलती गई, इनको एक चौपाई बोलती हूँ हमेशा, कवन सुकाज कठिन जगमाही जोना होए तात तो पानी। तो मैं कहती गई कि सब तो हो गया, अब आप कृपा करिए केन बेतवा आवे। तो जैसे ही कैबिनेट में मंजूरी हुई तो मैंने अपने जिलाध्यक्ष को और मुन्ना जी को सूचित किया कि बब्बा को भोग लगाएंगे और हम लोग बैठ के भोजन करेंगे। मलखान सिंह जी ने थोड़ा इसका बड़ा गेटअप बना दिया, आप सब लोग आ गए, बहुत अच्छा लगा। लोगों ने आप अभिनंदन, एक और बात की है आपने, अभिनंदन के लिए मैंने मना कर दिया था, इसलिए नीचे उतर आएंगे। आपने एक और बात की है कि छतरपुर जिले से 5 लाख लोग पलायन करते हैं, ये क्या कह रही थी आप? छतरपुर पन्ना, एक्चुअली वो टोटल जो फिगर है वो किसी एक जिले का नहीं है, छतरपुर पन्ना टीकमगढ़ और महोबा झालो, ये 10 से 12 लोग मजदूर हैं जो ललितपुर, जो दिल्ली में मजदूरी करते हैं, और उसमें किस जिले का कितना है, लेकिन टोटल बुंदेलखंड का 10 से 12 लाख है। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि मजदूरी करने के लिए आदमी तभी जाता है जब उसको अपने गांव में भरपेट भोजन न मिले। तो अब मुझे लग रहा है कि ये 2 योजनाओं के बाद में वो स्थिति बदल जाएगी। 15 साल से आपकी सरकार है, इसमें कितना बलदा सरकार ने, कितना बलदा, कितने लोग नहीं जाएंगे? देखिए, वो एक अलग विषय है, लेकिन सरकार ने कृषि के मामले में जो मापदंड स्थापित किए, पिछड़े राज्य को गंगा सागर तक में गंगा जी पहुंचा के आ गई हूँ, गंगा जी गई, गंगा जी का मिलन हुआ गंगा सागर से और मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मैं प्रसन्न हूँ। और फिर मैंने संगठन मंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहा कि अब मैं अपना काम करिए, जो 8 महीने में होना था वो कोरोना की वजह से 2.25 साल उसमें लग गए। तो उन्होंने मैंने बताया, अब आप जो काम कहेंगे वो मैं करूंगी, 24 का चुनाव लड़ना ये तो पहले से ही हमने कह रखा है, बस 19 का मैं छोड़ूंगी। उनका बताइए अब क्या करना, उन्होंने कहा कि चुनाव, अब आप चुनाव प्रचार के लिए समय दीजिए, तो मैंने कस के चुनाव प्रचार के लिए समय दिया और फेज 1 से शुरू किया, लोनी गाजियाबाद जिले से शुरू किया, बुलंदशहर से होते हुए और अंत में मेरी अंतिम सभा लखनऊ में हुई। फिर मैंने 4-5 दिन का ब्रेक मांगा, फिर मैं दोबारा चुनाव प्रचार के लिए चली जाऊंगी। मैंने तो भैया को और अपने राजू फूलवानी जी को कहा कि वो हनुमान जी का नाम याद नहीं आता है गांव का, सतना हतना के पास में है और वे ममीठा से पहला आ जाते हैं और दाई साइड में है, वहाँ हनुमान जी को भोग लगा दो और छोटा सा भंडारा हो जाए, क्योंकि कैबिनेट की मंजूरी हो गई, अब मंच बन जाएगा और आप लोग आ जाओगे, बहुत अच्छी बात है, सब लोग आ गए, ओम प्रकाश भैया आ जाएंगे, इनको जल्दी जाना देना पड़ेगा, बहुत सारे गवर्नर और राजदूत लोग आए हैं, 2 मिनट आप बोल लो। ये बहुत विद्वान, बहुत संत पुरुष, बहुत सत्वगुणी जीवन इनका, ऐसे लोग सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकते जैसे ओम प्रकाश, हमारे लिए बहुत गर्व है, गौरव है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा ने मंदिर में दर्शन कर प्रसाद पाया। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए खुजराहो से RB तिवारी की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश।
अगर अब तक आपने टाइम इन मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।